नगर पंचायत भोटा में राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत जिला सह संयोजक बीरेंद्र शर्मा व प्रदीप शर्मा व राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अयोध्या राम मंदिर के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया गया। सह संयोजक बीरेंद्र शर्मा का कहना है कि ये अभियान 1 माह तक चलेगा और नगर पंचायत में श्री राम जन्मभूमि समर्पण अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा। लोग अपनी श्रद्धा से राम मंदिर समर्पण अभियान के लिए चंदा दे सकते हैं। वहीं इस मौके पर नगर पंचायत की अध्यक्षा सपना सोनी, उपाध्यक्ष संजय धीमान, राजकुमार पंकज सोनी, प्यारे लाल लोक, बीना श्यामा सोनी आदि मौजूद रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम सब लोग जो है वो यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत आज होगा मंदिर में कथित हुए हैं। आपके स्वच्छ को ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हमें 492 वर्षों के बाद ये मौका देखने को मिला है। भगवान श्री राम हम सबके आराध्य देव का मंदिर अयोध्या जी में बनने जा रहा है। इसके लिए 76 बार संघर्ष हुए और इन संघर्षों में 380,000 लोग राम सेवक आज तक शहीद हुए। मतलब हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कालखंड का हमारा जन्म हुआ है कि आज ये घड़ी हम देख रहे हैं अपने आप को। इसको देखने के लिए हमारे से पूर्व कई ऐसे राम भक्त अपनी प्राणियों की देख रहे राम मंदिर अपनी आंखों से बनते देखे, लेकिन उनको यह सौभाग्य नहीं मिला। आज ये घड़ी आई है, इस घड़ी में हम सब ने अपने भगवान श्री राम के लिए हर घर में जाकर के निधि समर्पण अभियान के तहत लोगों से जो भी सहयोग करना चाहें स्वेच्छा से उसको एकत्रित करना है। यह दिन हमें आज देखने को मिल रहा है कि हमारे भारत में जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उनके प्रयासों से, उनकी दृढ़ निष्ठा से आज ये घड़ी देखने को मिल रही है। 36 बार संघर्ष हुआ, 1999 में आधारशिला रखी गई, उसके बाद 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस श्रीमान रंजन गोगोई एवं 5 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा।